दोस्तों आज हो चुका है 13 अप्रैल 2023 गुरुवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की पांच बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुनहरा अवसर निकला है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं और डिग्री पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन पांच विभागों के अंतर्गत भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन एज लिमिट है, सैलरी आपको कितनी प्रोवाइड की जाएगी, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, क्या आवेदन शुल्क आपको जमा करना होगा, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 13 अप्रैल 2023 की पांच बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये भर्ती है। पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पर पोस्ट निकली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पैरामेडिकल कैटेगरीज की पोस्ट है जिसमें स्टाफ नर्स, डाइटिशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड थर्ड, लैब सुपरिंटेंडेंट ग्रेड थर्ड, प्रोफेशनिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, रेडियोग्राफर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ECG टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ विजिटर, लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड की पोस्ट निकली है। मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर यह भर्ती है। 1900 से अधिक वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। आवेदन इसके लिए मई 2023 से शुरू होंगे, लास्ट डेट जून 2023 में है। सैलरी डिटेल की बात की जाए तो 21,700 लेवल 3, 25,500 लेवल 4, 29,200 लेवल 5, 35,400 लेवल 6 और 44,900 है लेवल 7 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर 12वीं पास JNM BSc डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 18, 20, 21, 22 वर्ष आयु सीमा है। मैक्सिमम 30, 33, 35 और 40 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस डिटेल की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसमें UR OBC कैटेगरी के लिए ₹500 फीस है। SC ST PWD और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए ₹250 एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या चालान से ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.gov.in, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चेयरमैन की। 190 वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकली है। बात अगर डेट की जाए तो इसके लिए आवेदन 8 अप्रैल से चल रहे हैं, लास्ट डेट 31 मई 2023 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 31 मई है। सैलरी प्रोफेसर या चेयरमैन के लिए 1,44,200 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 है प्रति माह के लिए। PG डिग्री और PhD से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 35 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो UR OBC कैटेगरी के लिए ₹1,000 फीस है। SC ST PWD कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो। इम्फाल मणिपुर जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप ऑनलाइन कर सकते हो। CAU.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप यहां से लॉगिन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहां पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में, जिला स्वास्थ्य समिति DHS के अंतर्गत ये भर्ती है। NM स्टाफ नर्स, ड्रेजर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर और MPW की पोस्ट यहाँ पर निकली है। टोटल यहाँ पर 117 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 3 मई 2023 है। सैलरी ANM पोस्ट के लिए 11,440 है, स्टाफ नर्स के लिए 16,564 है, ड्रेसर फार्मासिस्ट के लिए 10,450, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 15,661, काउंसलर के लिए 12,375 और MPW के लिए 15,123 है प्रति माह के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर बात की जाए
तो इसमें यहाँ पर 10वीं 12वीं पास एनएम जेएनएम डिग्री डिप्लोमा से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस आप कैटेगरी वाइज नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर लातेहार झारखंड जॉब लोकेशन है, latehar.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन परफॉर्मा भी आपको इसी PDF के एंड में दिया गया है, जो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो और फिल करने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर सबमिट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कम्युनिटी के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर, बस कंडक्टर, क्लर्क, चौकीदार, सेवादारनी, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंट्स क्लर्क, स्वीपर, ऑफिस असिस्टेंट, केयर टेकर मेड, ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क, फी क्लर्क, गेट कीपर, कंप्यूटर टाइपिस्ट या ऑपरेटर, स्वीपर फीमेल, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, साइंस लैब अटेंडेंट, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरियन, सेवादार मेल, सेवादार फीमेल, बस कंडक्टर और सेवादारनी फीमेल की पोस्ट निकली है। 117 टोटल वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2023 है। सेलली आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। 8वीं 10वीं 12वीं पास और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। DESGPC.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन परफॉर्मा भी आपको इसी PDF में दिया गया, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली हुई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर इंजीनियर, JEE असिस्टेंट आर्किटेक्ट की पोस्ट है। 140 वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकली है। आवेदन इसके लिए भी 8 अप्रैल से चल रहे हैं, लास्ट डेट 27 अप्रैल 2023 है। लेवल 6, 8, 10, 11 के अंतर्गत सेली है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, CA LLB से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30, 35, 40 वर्ष आयु सीमा है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर देख सकते हो, अदर कैंडिडेट के लिए 25 रुपये फीस है। ST PWD वोमेन को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू से चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। UPSC.GOV.IN की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के इनके 13 अप्रैल 2023 गुरुवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के लिंक आपको यहीं पर इसमें प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।